इस वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। देखिए मैंने ब्लाउज कट कर लिया है और देखिए ये साड़ी का बॉर्डर है जो कि मैंने साड़ी में से ब्लाउज में दोनों साइड था तो एक साइड का मैंने ये कट कर लिया है। और देखिए ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है, ये अस्तर है और देखिए ये हमारा ब्लाउज है। तो पहले ड्राफ्ट अस्तर पर कर लेते हैं। देखिए ब्लाउज की लंबाई 15 इंच ली है और इसके मुड्ढे मैंने 6 इंच लिए हैं और जो हमारा ये ब्लाउज का साइज है ये 34 साइज है, 10.5 इंच लिया है। जब तैयार करेंगे तो 8.5 इंच आएगा और इसमें 2 इंच का मार्जिन है तो लाइन ड्रॉ कर लेंगे मार्जिन के। इसके शोल्डर 5.5 इंच लिए हैं और ये मैं डीप नेक बना रही हूँ लेकिन डिज़ाइन बहुत सुंदर बनने वाली है, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए शोल्डर से हम यहाँ पर 3.5 इंच ले लेंगे और 3.5 इंच से एक बॉक्स बना लेते हैं। जितना डीप आप पहनते हैं उस हिसाब से, जैसे कि मैंने 11.5 इंच ले लिया है और यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं। तो देखिए जैसे मैं बताई ये ब्रॉड रहेगा और नीचे से और थोड़ा सा ब्रॉड आ जाएगा। अभी नेक की शेप देते हैं तो शोल्डर से सेम रहेगा और यहाँ पे यहाँ हल्का सा ये ब्रॉड आ जाएगा। ब्रॉड आने के बाद ये पूरा यहाँ पर राउंड शेप आ जाएगा तो जो इसकी शेप आएगी वो यहाँ पर इस तरीके से आएगी, ये पूरा ब्रॉड में रहेगा और सेम डॉट पर कट कर ले। तो देखिए इस तरीके का ये कुछ ड्राफ्ट निकलेगा और इसी ड्राफ्ट को रख के कैनवास और नेक पट्टी कट करें। तो देखिए मैंने कैनवास का टुकड़ा ले लिया है और देखिए इस तरह से मैंने सेंटर से फोल्ड कर दिया है। अंदर का मार्किंग सेम रहेगा, बाहर इसकी चौड़ाई 1 इंच लेंगे और इसी तरह से कपड़ा जो कट करेंगे उसकी चौड़ाई हम 1.5 इंच ले लेंगे। देखिए मैंने कैनवास और नेक पट्टी दोनों कट कर लिए हैं। जैसे मैंने बताया था 1/2 इंच हम कपड़े को ज़्यादा कर लेंगे चौड़ाई, तो देखिए 1/2 इंच जो लिए इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके पूरा राउंड में इसको स्टिच कर लेंगे तो ये पैच हमारा तैयार हो जाएगा। और अभी ब्लाउज को कैसे तैयार करना है वो था। देखिए नीचे मैंने ये उल्टा ब्लाउज रख लिया, इसके ऊपर अस्तर रख लिया और इसको पूरा नेक को स्टिच कर देंगे, इस नेक को कट कर देंगे और फिर इसको चारों तरफ से स्टिच करके इसको तैयार कर लेंगे। बाद में जो हमने कैनवास कट किया था उससे इसकी फिनिशिंग देंगे और जो डिज़ाइन देने वाले हैं अभी उसके बारे में बताते हैं। तो देखिए जो हमारा ये साड़ी का बॉर्डर है, देखिए इसके मैंने चौड़ाई जो ली है बॉर्डर की वो 2.5 इंच है और ये 2 पीस हैं। अभी हम इसके 4 पीस करने वाले हैं तो इस तरीके से बीच में से इसको कट करके 4 पीस करेंगे तो इसकी जो लंबाई रहेगी एक पीस की ये देखिए 6.5 इंच आ रही है और इसमें 1/2 इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में भी चला जाएगा, 1/2 इंच यहाँ पे भी सिलाई में चला जाएगा तो ये 5.5 इंच का तैयार रहेगा। और यहाँ पे फिर लूप आएंगे और बीच में डोरी भी आने वाली है इसीलिए यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। और जैसे ये ज़्यादा चौड़ा लगेगा तो हम जो साइड में 1/2 इंच देने वाले हैं वहाँ पर हम 1 इंच दबा देंगे। तो देखिए जब इसका सेप आएगा तो यहाँ पे इस तरीके से इसका गैप रहेगा तो यहाँ पे हम लुक लगाने वाले हैं। तो लुक की कैसे फिनिशिंग देनी है वो भी बताऊँगी। तो देखिए या तो ब्लाउज का कपड़ा आप ले सकते हैं या फिर कोई भी साड़ी में से भी कट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये कपड़ा ले लिया है स्ट्रेट पट्टी, तो देखिए इसकी चौड़ाई में 1.5 इंच लूँगी और 1.5 इंच की चौड़ाई लेके इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे तो किनारे पर सिलाई डाल के इसको पलट देंगे तो ये हमारा 1/2 इंच का लुक तैयार हो जाएगा। फिर उसके पीस कट करके यहाँ पे स्टिच करेंगे तो जो ये पीस कट किया है इसी तरह से अस्तर और कैनवास दोनों चीज़ और कट कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया था मैंने पूरा ब्लाउज को अस्तर के साथ स्टिच कर लिया, जो नेक था कट कर दिया, प्लेट डाल दी है, जैसे 1 इंच चौड़ी पट्टी लेके इसकी फिनिशिंग कर दी है कमर में। और जैसे बताया था कि मैंने ये पट्टी ज़्यादा ली थी एक कम और इसको फोल्ड कर दिया है और अभी हम नेक में स्टिच करते हैं तो एक साइड से स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टिच कर दिया है और अभी हम इस पट्टी को अंदर की तरफ पलट देते, किनारे पर सिलाई डाल देते। नेक की फिनिशिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है और जो अंदर की तरफ हम इसमें तुरपाई कर देंगे। अभी हमने जो बॉर्डर कट किया था उसको तैयार करते हैं। देखिए जो कैनवास और अस्तर ये दोनों मैंने एक साथ एक इस कोने से स्टिच कर लिए, इसको इसी तरह रख लेंगे। और देखिए जो गोल्ड कलर का बॉर्डर लिया था हमने वो है, तो सबसे पहले हम इसी पे जो हमने ये डोरी कट की थी उसको मैंने स्टिच करके पलट दिया है और ये 1 इंच लंबाई इसकी पीस कट कर लिए हैं और इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ये 3 पीसों को अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे भी सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे और इस साइड में भी और इसके बीच में स्टिच करते हैं। इस तरीके से मैंने स्टिच कर दिए हैं। अभी जो हमने ये बॉर्डर लिया है इस बॉर्डर को हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और यहाँ से एक साइड से स्टार्ट करते हुए यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर देंगे। अभी देखिए यहाँ से पूरा मैंने स्टिच कर दिया है, जो एक्स्ट्रा पार्ट था कट भी कर दिया है, इसको पलट देते हैं। ये डिज़ाइन हमारी कुछ इस तरीके से इसकी फिनिशिंग जो है अंदर की तरफ चली गई। अभी हम यहाँ पर किनारे पर सिलाई डाल देते हैं।
इसी तरह से मैंने ये चारों पीस तैयार कर लिए हैं। इसमें देखिए मैंने ये डोरी भी लगा दी है, जैसे कि मैंने कपड़े की बनाई है, और आप चाहें तो रेडीमेड भी लगा सकते हैं। और अभी हम इसमें डोरी लगाते हैं, तो देखिए ये मैंने डोरी बनाई है। और इस तरह की डोरी कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो देखिए डोरी को हम यहाँ से इस तरीके से निकालेंगे इस लूप में से, और दूसरे छोर को दूसरे साइड से, तो इसको लूप को इस तरीके से खोल देंगे तो डोरी हमारी आसानी से निकल जाएगी। तो देखिए इस तरीके से आएगा, इस साइड की डोरी को हम इस साइड से निकाल देंगे। तो देखिए डोरी इस तरीके से हमारी ये जिग जैग होती हुई इस तरह की डिज़ाइन बन जाएगी। यहाँ पे आप कोई भी लटकन बना के लगा सकते हैं, जैसे मैंने सिंपल से ट्रायंगल लगा दिए हैं, तो कैसे लगाएं वो बता देती हूँ। तो देखिए मैंने ये तिकोना कपड़ा कट कर लिया है, क्योंकि ये बॉर्डर है तो धागे निकलते हैं, तो मैंने अस्तर के साथ इसको तैयार कर लिया है। यहाँ पर हम इस तरीके से बीच में रख लेंगे और यहाँ से यहाँ तक स्टिच। देखिए ये दोनों पट्टी हमारी तैयार हो गई हैं, और उससे पहले हम ब्लाउज के नेक में लेस लगा लेते हैं और एक लाइन कमर में लगाएंगे, तो इनको अभी साइड में रख देते हैं। ये लेस लिए हैं, इस लेस को मैं यहाँ पर स्टिच कर दूँगी नेक। तो देखिए नेक में लेस मैंने डबल स्टिच डाल दी है, सेम कमर में भी, और जो हमने पैच तैयार किए थे अभी पैच को हम इस तरीके से नीचे रख लेंगे, ऊपर से ब्लाउज रख लेंगे और मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए शोल्डर से आपको 2.5 इंच छोड़ना है, यहाँ से पहले मार्किंग कर। देखिए 2.5 इंच पे यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ये भी देख लें कि ये डिजाइन हमारी बीच में आनी चाहिए, तो उसी तरीके से आप इसको सेट कर लें। तो देखिए जैसे कि हमारी डिजाइन अभी बराबर आ रही है, तो पहले हम पिन से तैयार कर लेते हैं। और देखिए अभी 2.5 इंच का बीच में फिर से गैप छोड़ देंगे, इसको भी इसी तरीके से पिन लगा देंगे। पर डिजाइनों को बराबर से, ये दोनों डिजाइन एकदम बराबर से आनी चाहिए। इसी तरीके से इस साइड में मार्किंग कर लेते हैं। पिन से मैंने इसको तैयार कर लिया है, और अभी हम सेम नेक में एक स्टिच डाल देते हैं, जिससे हमारा ये पैच तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से लेके मैंने पूरे राउंड में डबल स्टिच डाल दिया, तो ये पैच हमारे पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, अच्छे से सेट हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि दोनों साइडों में इस तरीके का पैच आएगा, बीच में हमारी लुक और डोरी आएंगी, काफ़ी सुंदर लुक आ रहा है। और देखिए नीचे लेस आ रही है नेक में, कमर में भी लेस डाल दी है हमने, तो काफ़ी सुंदर लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से ये सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बना सकते हैं।